इंटीग्रेशन ऑफ 5x+7 dx, या 5x+7 को हम माना टी, तो डिफ्रेंशिएशन किया 5 dx, 7 का हो जाएगा 0, टी का हो गया dt, तो 5x dx इज इक्वल टू dt, या dx इज इक्वल टू dt/5। अब मेरा क्वेश्चन बदल गया, I इज इक्वल टू 1/5 इंटीग्रेशन में t^(1/2 dt। अब देखिए, जैसे हम जानते हैं कि x^n का होता है समाकलन x/(n+1)/(n+1), उसी तरह से t^(1/2) का हो जाएगा t^(1/2+1)/(1/2+1), अर्थात t^(3/2)/(3/2)। तो इसको हम इस प्रकार लिख लेंगे, बराबर 1/5 t^(3/2) upon 3/2 plus c is equal to, अब देखिए 2 पर चला जाएगा, 5 × 3 = 15 हो जाएगा, तो 2/15 5x+7 t^(3/2 plus c, यह रहा है आपका। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले 5x+7 को टी माना, 5x+7 को टी माना, उसका अवकलन किया, तो 5x का dx हो गया, 7 का 0 हो गया, टी का dt हो गया, तो 5dx इज इक्वल टू हो गया dt, तो dx इज इक्वल टू हो गया dt/5। अब दिया हुआ प्रश्न इस तरीके से कन्वर्ट हो गया, I इज इक्वल टू 1/5 इंटीग्रेशन में t^(1/2 dt। अब हम जानते हैं कि x^n का इंटीग्रेशन होता है x^(n+1)/(n+1), तो t^(1/2) का हो जाएगा t^(3/2)/(3/2), तो I इज इक्वल टू हो गया 1/5 t^(3/2)/(3/2) प्लस c, 2 ऊपर चला जाएगा, अब 5 × 3 = 15 होगा, तो यह बराबर हो गया 2/15 ब्रैकेट में 5x+7 t^(3/2) प्लस सी। यही हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 5x √5x+7 dx का कंप्लीट मान हुआ। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, I इज इक्वल टू sin²(2x+5dx). अब इसको भी उसी रूप में 2x+5 को हम t मान लेते हैं, तो माना 2x+5 इज इक्वल टू t। अब इसका अवकलन जब हम करेंगे तो 2x का dx हो जाएगा, 5 कांस्टेंट है उसका हो गया 0, इज इक्वल टू t का dt, dx इज इक्वल टू हो गया dt/2। अब मेरा क्वेश्चन इस तरह बदल गया, I इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन में हो जाएगा sin²t dt। sin²t का हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं,
इसलिए साइन स्क्वायर को हम कास के फार्म में बदलते हैं, क्योंकि कास 2x का फार्मूला होता है कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। दूसरा फार्मूला है 2 cos² x - 1, और तीसरा है 1 - 2 sin² x। तो 2 sin² x बराबर हो जाएगा 1 - cos² x, या साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 - cos² x / 2। अब हमारा यह जो है साइन स्क्वायर टी इस रूप में हो गया कि 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर टी dt इज इक्वल टू 1/2 × 1/2 इंटीग्रेशन 2 sin² t dt। यहाँ हमने 2 से डिवाइड किया है और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है ताकि 2 sin² t का मान डायरेक्ट हम रख दें। यह हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन में 1 - cos² t dt। अब इसका अलग अलग से हम इंटीग्रेशन करते हैं 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 t dt माइनस इंटीग्रेशन cos² t dt। 1 का हो जाएगा इंटीग्रेशन t माइनस cos² t का हो जाएगा sin² t / 2। तब हमारा कंप्लीट हो गया 1/4 t - sin² t / 2 + c'। अब t का मान हम रख रहे हैं तो 1/4 2x + 5 - 1/2 sin 2 1/4 2x + 5 - 1/2 sin² (2x + 5 + c'), या 1/2 x, 1/4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -1/8 sin 4x + 10 + 5/4 + c'। 5/4 + c' को हम c मान लें, यह हो जाएगा 1/2 x - 1/8 sin 4x + 10। प्लस 5/4 + c' मिल करके हो गया c। तो 1/2 x - 1/8 sin 4x + 10 + c। फिर से इसको देख लीजिए, क्वेश्चन आपका था इंटीग्रेशन ऑफ sin² 2x + 5 dx। हमने मान लिया कि 2x + 5 इज इक्वल टू
टी। इसका अवकलन जब हमने किया तो टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, क्योंकि फाइव का अवकलन जीरो होता है। अब यहाँ से हमको मिल गया कि डी एक्स इज इक्वल टू हो गया डी टी बाई टू। अब जो x के फार्म में है समाकलन व t के रूप में कन्वर्ट हो गया, तो i इज इक्वल टू हो गया हमारा 1 बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर t डी टी। अब देखिए साइन स्क्वायर t का हमें मालूम नहीं है, तो उसको cos में बदलते हैं। तो cos में बदलने के लिए हमको चाहिए 2 साइन स्क्वायर t, तो दो से हमने गुणा किया और दो से भाग दे दिया, यह हो गया हमारा 2 साइन स्क्वायर टी डी टी। अब 2 साइन स्क्वायर टी बराबर हमने बताया है कि यह हो जाएगा 1 माइनस कास 2 टी। तो प्रश्न इस तरह हो गया हमारा 1 बाई फोर इंटीग्रेशन में 1 माइनस कास 2 टी डी टी। अब देखिए 1 का अलग से समाकलन करेंगे, कास 2 टी का अलग करेंगे, तो 1 डी टी का अगर हम समाकलन करें तो वह हो जाएगा t, और cos 2t का समाकलन होगा sin 2t अपान 2, क्योंकि cos ax का होता है समाकलन sin ax अपान a। यह हमारा हो गया 1 बाई फोर टी माइनस sin 2t अपान 2 प्लस c डैश। अब t की वैल्यू हम रख रहे हैं तो 1 बाई फोर टू एक्स प्लस फाइव माइनस 1 बाई टू साइन टू टू एक्स प्लस फाइव ब्रैकेट बंद प्लस सी डैश। अब 1 बाई फोर से मल्टीप्लाई हमने कर दिया तो 1 बाई टू एक्स माइनस 1 बाई एट साइन फोर एक्स प्लस टेन प्लस फाइव बाई फोर प्लस सी डैश। अब यहाँ देखिए 5 बाई फोर प्लस सी डैश दोनों जो हैं कांस्टेंट है, उनके जगह पर हम सी रख सकते हैं, यह हो जाएगा 1 बाई टू एक्स माइनस 1 बाई एट साइन फोर एक्स प्लस टेन प्लस सी। यह रहा है आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर टू एक्स प्लस फाइव डी एक्स का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में ई टू द पावर एक्स प्लस वन ई टू द पावर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ई एक्स डी एक्स, ठीक है। माना अब ई एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टी। अब इसका हम अवकलन कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, तो ई एक्स डी एक्स वन का हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू डी टी, और हमको यही चाहिए ई एक्स डी एक्स का मान चाहिए, तो यहाँ से हमको ई एक्स डी एक्स का जो मान है वह मिल गया डी टी। तो अब प्रश्न यह हो गया टी के फार्म में I इज इक्वल टू टी स्क्वायर डी टी। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि टी स्क्वायर का होगा टी टू द पावर टू प्लस वन अपान टू प्लस वन, अर्थात टी क्यूब अपान थ्री प्लस सी। अब टी की वैल्यू अगर हम रख दें, टी की वैल्यू रख रहे हैं तो वन बाई थ्री ब्रैकेट में छोटा ई एक्स प्लस वन टू द पावर थ्री प्लस सी। यही रहा है आपका इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ई एक्स डी एक्स। इतने बड़े पद को सब्स्टिट्यूशन विधि से हम छोटे रूप में रख दिए। कैसे रखे कि जैसे ई एक्स प्लस वन है उसको हमने क्या मान लिया, टी मान लिया,
और इसका जब अवकलन हमने किया तो यह हो गया ई एक्स डी एक्स, क्योंकि वन का अवकलन जीरो हो गया, टी का डी टी हो गया, और यही ऊपर हमको ले आना था ई एक्स डी एक्स। तो ई एक्स डी एक्स के जगह पर हम डी टी रख देते हैं तो हमारा आई इंटीग्रेशन हो गया टी स्क्वायर डी टी, और टी स्क्वायर का होता है टी क्यूब बाई थ्री, क्योंकि एक्स टू दी पावर एन का होता है एक्स पर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन। यह हमारा हो गया टी टू दी पावर थ्री अपान थ्री प्लस सी इज इक्वल टू वन अपान थ्री ई टू दी पावर एक्स प्लस वन का क्यूब प्लस सी। यही हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ई एक्स डी एक्स का मान। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट फोर एक्स प्लस थ्री डी एक्स। अब इसको सब्स्टिट्यूशन से छोटे रूप में हम इस तरह से बदल रहे हैं। देखिए फोर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू टी, या एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा टी माइनस थ्री अपान फोर। अब फोर एक्स प्लस थ्री का अवकलन हम करें तो फोर डी एक्स, थ्री का हो जाता है जीरो, टी का डी टी, तो फोर डी एक्स बराबर डी टी। डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी अपान फोर। अब प्रश्न आपका टी के रूप में इस तरह बदल गया कि आई इज इक्वल टू वन बाई फोर इंटीग्रेशन वन अपान फोर ब्रैकेट में टी माइनस थ्री टी टू द पावर वन बाई टू डी टी। वन बाई फोर को बाहर ले लें हम, यह हो जाएगा वन अपान सिक्सटीन। इंटीग्रेशन में टी पर वन पावर है और टी पर वन बाई टू, तो वन प्लस वन बाई टू मिलकर हो जाएगा टी पर थ्री बाई टू माइनस थ्री टी पर वन बाई टू डी टी। अब इन पदों का हम अलग अलग समाकलन कर रहे हैं। देखिए टी पर थ्री बाई टू का होगा टी पर थ्री बाई टू प्लस वन अपान थ्री बाई टू प्लस वन, और टी पर वन बाई टू का होगा टी पर वन बाई टू प्लस वन अपान वन बाई टू प्लस वन, अर्थात टी पर फाइव बाई टू अपान फाइव बाई टू माइनस थ्री टी पर थ्री बाई टू अपान थ्री बाई टू प्लस सी। अब वन अपान सिक्सटीन से हम इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो यह हमारा हो जाएगा वन अपान फोर्टी टी टू द पावर फाइव बाई टू माइनस यह टू थ्री थ्री कट जाएगा और टू अपान सिक्सटीन वन बाई एट टी पर थ्री बाई टू प्लस सी। टी की वैल्यू अगर हम रख दें तो यह हो जाएगा वन अपान फोर्टी ब्रैकेट में फोर एक्स प्लस थ्री टू दी पावर फाइव बाई टू माइनस वन बाई एट फोर एक्स प्लस थ्री टू दी पावर थ्री बाई टू प्लस सी। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन आपका यह रहा कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स फोर एक्स प्लस थ्री अंडर रूट में है फोर एक्स प्लस थ्री डी एक्स। इसको प्रतिस्थापन से हम संक्षिप्त कैसे कर रहे हैं, माना फोर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू टी, और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लें तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी वन अपान फोर टी माइनस थ्री, ठीक है। और फोर एक्स प्लस थ्री का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें तो फोर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, थ्री का अवकलन जीरो होता है तो डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी बाई फोर। तो अब हमारा जो प्रश्न है वह टी के रूप में इस तरह से बदल गया कि आई इज इक्वल टू वन बाई फोर इंटीग्रेशन ऑफ
वन बाई फोर छोटे कोष्ट में टी माइनस थ्री इंटू टी पर वन बाई टू डी टी। अब टी पर वन बाई टू से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे और वन बाई फोर को बाहर ले लेंगे तो वन बाई सिक्सटीन टी पर वन पावर और वन बाई टू पावर मिल करके हो जाएगा थ्री बाई टू माइनस थ्री टी टू दी पावर वन बाई टू डी टी। अब देखिए टी पर थ्री बाई टू का समाकलन होगा टी टू दी पावर थ्री बाई टू प्लस वन अपान थ्री बाई टू प्लस वन अर्थात टी पर फाइव बाई टू अपान फाइव बाई टू। उसी प्रकार से टी पर वन बाई टू का हो जाएगा टी पर वन बाई टू प्लस वन अपान वन बाई टू प्लस वन अर्थात टी पर थ्री बाई टू अपान थ्री बाई टू। अब हमारा जो यह आई हो जाएगा वन बाई सिक्सटीन टी टू द पावर फाइव बाई टू अपान फाइव बाई टू माइनस थ्री टी पर थ्री बाई टू अपान थ्री बाई टू प्लस सी। अब वन बाई सिक्सटीन से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एट जा सिक्सटीन और एट फाइव जा फोर्टी तो वन अपान फोर्टी टी टू द पावर फाइव बाई टू माइनस थ्री से थ्री कट जाएगा और टू एट जा सिक्सटीन तो माइनस वन बाई एट टी टू द पावर थ्री बाई टू प्लस सी। अब हम टी की वैल्यू रख रहे हैं तो वन अपान फोर्टी फोर एक्स प्लस थ्री टू द पावर फाइव बाई टू माइनस वन बाई एट ब्रैकेट में फोर एक्स प्लस थ्री टू द पावर थ्री बाई टू प्लस सी। यही रहा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अंडर रूट फोर एक्स प्लस थ्री डी एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपान वन प्लस एक्स टू द पावर एट डी एक्स। अब यहाँ देखिए ध्यान से हम यह सोचें कि एक्स क्यूब कैसे आएगा। एक्स क्यूब किसके अवकलन में एक्स क्यूब आएगा? अगर एक्स टू द पावर फोर हो तो उसका हम अवकलन करेंगे तो फोर एक्स क्यूब हो जाएगा। तब हम एक्स टू द पावर फोर बराबर मान लें टी तो एक्स क्यूब आ जाएगा। अतः माना एक्स टू द पावर फोर इज इक्वल टू टी। अब इसका हम अवकलन कर रहे हैं तो फोर एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। एक्स क्यूब डी एक्स हमको ले आना है तो एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी बाई फोर। अब एक्स के मान को हम टी के रूप में बदल दें तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा वन बाई फोर एक्स क्यूब डी एक्स के जगह पर लिख लिया डी टी। और एक्स फोर बराबर टी है तो एक्स टू द पावर एट बराबर हो जाएगा टी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो वन बाई फोर इंटेग्रेशन डी टी अपान वन प्लस टी स्क्वायर। तो इसको इस तरीके से हम लिख लें आई इज इक्वल टू वन अपान फोर इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपान वन प्लस टी स्क्वायर। तो वन अपान टी स्क्वायर का हम जानते हैं कि टेन इनवर्स टी होता है। यह हो जाएगा वन अपान फोर टेन इनवर्स टी प्लस सी या वन अपान फोर टी की वैल्यू हम एक्स फोर रख दें तो वन बाई फोर टेन इनवर्स एक्स टू द पावर फोर प्लस सी। अब ध्यान से जरा देखिए आप हमें एक्स क्यूब अपान वन प्लस एक्स टू द पावर एट डी एक्स का समाकलन करना है। ऊपर एक्स क्यूब ले आना है तो एक्स क्यूब तभी आएगा जब एक्स टू द पावर फोर का अवकलन हम करें। अतः एक्स टू द पावर फोर
बराबर हमने मान लिया कि टी, एक्स टू दी पावर फोर बराबर मान लिया टी। अब उसका अवकलन हम कर रहे हैं, यह हो जाएगा फोर एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, या एक्स क्यूब इज इक्वल टू डी टी अपान फोर। तो प्रश्न बदल जाएगा, आई इज इक्वल टू हो जाएगा वन अपान फोर डी टी अपान वन प्लस टी स्क्वायर, और हम जानते हैं कि वन अपान वन प्लस टी स्क्वायर का समाकलन होता है वन बाई फोर टैन इनवर्स टी प्लस सी। टी की वैल्यू हम रख दें तो यह हो जाएगा वन बाई फोर टैन इनवर्स एक्स टू दी पावर फोर प्लस सी। यही रहा है आपके इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपान वन प्लस एक्स टू दी पावर एट डी एक्स का। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखें, इंटीग्रेशन ऑफ टेन क्यूब एक्स सेक टू दी पावर फाइव एक्स डी एक्स। अब देखिए इसको हम दो भागों में तोड़ रहे हैं। हम जानते हैं कि टेन एक्स और सेक एक्स जो है वह सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है, तो एक पार्ट हमने कर दिया कि टेन एक्स सेक एक्स, और दूसरा ब्रैकेट में लिख लिया टेन स्क्वायर एक्स और सेक टू द पावर फोर एक्स डी एक्स। हम टेन स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं जानते हैं, ठीक है, तो टेन स्क्वायर एक्स बराबर हमने लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन और सेक टू द पावर फोर एक्स सेक एक्स टेन एक्स डी टी। अब मान लिया कि सेक एक्स बराबर टी, सेक एक्स बराबर हमने मान लिया टी, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब यह मान हम रख रहे हैं अब देखिए तो यह हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में छोटे कोश में टी स्क्वायर माइनस वन टी टू द पावर फोर डी टी, या इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर सिक्स, टी फोर इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा टी टू द पावर सिक्स डी टी माइनस टी टू दी पावर फोर डी टी। देखिए जब मल्टीप्लाई हम करते हैं तो घात जुट जाते हैं, तो टी स्क्वायर है और टी टू दी पावर फोर है, यह दोनों मिलकर के हो जाएगा टी टू दी पावर सिक्स माइनस टी टू दी पावर फोर डी टी। अब इसका हम समाकलन करें, ध्यान से देखिए इसका समाकलन कर रहे हैं, तो जैसे एक्स टू दी पावर एन का होता है x टू द पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन, तो t टू द पावर सिक्स का हो जाएगा t टू द पावर सिक्स प्लस वन अपान सिक्स प्लस वन, और t टू द पावर फोर का हो जाएगा t टू द पावर फोर प्लस वन अपान फोर प्लस वन। तो यह आपका हो गया t टू द पावर सेवन अपान सेवन माइनस टी टू द पावर फाइव अपान फाइव प्लस सी। अब हम टी की वैल्यू रख दें, हमने माना है कि टी बराबर सेक एक्स है, तो टी की जगह पर सेक एक्स अगर रख दिया जाए तो यह हो जाएगा सेक टू द पावर सेवन एक्स अपान सेवन माइनस सेक टू द पावर फाइव एक्स अपान फाइव प्लस सी। अब देखिए क्वेश्चन जो आपका था उतना बड़ा, अब ये छोटे रूप में बदलने पर इसका मान आ गया है सेक टू द पावर सेवन एक्स अपान सेवन
माइनस एक्स टू द पावर फाइव एक्स अपान फाइव प्लस सी। इस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रतिस्थापन विधि से बड़े प्रश्न जो हैं वह छोटे रूप में बदल जा रहे हैं, ठीक है।